हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के के पर दोस्तों कोपा थ्योरी के इस क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम एमएस वर्ड के क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका हुई कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सेब ऑप्शन नंबर बी सेंड, ऑप्शन नंबर सी प्रिपेयर या ऑप्शन नंबर डी सेवेज तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम परमानेंटली स्टोर करने के लिए उसे सेव करते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट संपूर्ण दस्तावेज को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ओ या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस यस या डी कंट्रोल प्लस ई तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुइज टूल इन एम एस वर्ड इज यूज टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन एम एस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग पर परिचित और दोहराने विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर ए टाइटल बार ऑप्शन नंबर बी टास्क बार या ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉल बार या डी क्विक एक्सेस टूल बार तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेस टूल बार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट एम एस वर्ड में किस क्षेत्र का प्रयोग टेक्स्ट को इंटर करने के लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर ए वर्क स्पेस ऑप्शन नंबर बी वर्कशीट ऑप्शन नंबर सी स्लाइड या डी वर्कबुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्क स्पेस यानी कि दोस्तों एम एस वर्ड में जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको क्या कहते हैं वह कहाँ पे लिखा जाता है तो उसको हम जहाँ भी लिखते हैं उसे वर्क स्पेस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुच बार कंटेन द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है ऑप्शन नंबर ए लेआउट ऑप्शन नंबर बी टाइटल बार ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार या डी हॉरिजेंटल रूलर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार यानी कि दोस्तों कर्सर की करंट पोजीशन स्टेटस बार में दिखाई देती है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार नेक्स्ट है आपका वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन एमएसवर्ड वर्ड में नजदीकी बटन यानी क्लोज बटन कहाँ दिखाई देती है ऑप्शन नंबर ए टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो ऑप्शन नंबर बी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो ऑप्शन नंबर सी टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो ऑप्शन नंबर डी बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो यानी कि दोस्तों जो आपकी क्लोज बटन होती है वो विंडो पर टॉप राइट कार्नर पर दिखाई देती है यानी कि दोस्तों जो क्लोज बटन होती है वो स्टेटस बार में राइट साइड में कॉर्नर पर दिखाई देती है अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर निम्न में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है यानी वर्ड प्रोसेसर है ऑप्शन नंबर ए एम एस वर्ड ऑप्शन नंबर बी एम एस एक्सल ऑप्शन नंबर सी एम एस ऑप्शन नंबर डी एम एस ऑफिस पब्लिशर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम एस वर्ड एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वहीं आपका एमएसएक्सल है तो इसका राइट right आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एम एस वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइल विशेषता है ऑप्शन नंबर ए वर्ड फिल ऑप्शन नंबर बी वर्ड आर्ट ऑप्शन नंबर सी वर्ड कलर या ऑप्शन नंबर डी वर्ड फ़ॉन्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड आर्ट एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट स्टाइल फीचर है अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑप्शन इज यूज़ टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थाई रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सेव, ऑप्शन नंबर बी सेंड ऑप्शन नंबर सी सेव एज या ऑप्शन नंबर डी रीनेम तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेव एज यानी कि दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट के डुप्लीकेट को हम स्थाई रूप से स्टोर करने के लिए सेव एज का उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू एंड एग्जिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि दोस्तों एम एस वर्ड में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए न्यू या ऑप्शन नंबर बी ओपन या सी पब्लिश या ऑप्शन नंबर डी प्रिपेयर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपन किसी भी डॉक्यूमेंट को हम देखने के लिए ओपन का उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एंड अपियरेंस एज इन वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ड्राफ्ट व्यू ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू ऑप्शन नंबर सी वेब लेआउट व्यू या ऑप्शन नंबर डी फुल स्क्रीन रीडिंग तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेब लेआउट व्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी ग्रुप्स आर डर इन होम मीनू होम मीनू में कितने समूह होते हैं ऑप्शन नंबर ए चार ऑप्शन नंबर बी पाँच ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी सात तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाँच होम मीनू में पांच ग्रुप होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन एमएस वर्ड एम एस वर्ड के किस ग्रुप में सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक आदि शामिल हैं ऑप्शन नंबर ए क्लिप बोर्ड ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ या ऑप्शन नंबर डी स्टाइल तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट यानी कि दोस्तों एम एस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए टू होल्ड एडवांस फंक्शन टू होल्ड स्पेशल फंक्शन टू होल्ड बेसिक फंक्शन या टू होल्ड फेमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू होल्ड फेमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ गटर मार्जिन गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए मुद्रण करते समय बाएं हाशिए पर जोड़ा गया मार्जिन या ऑप्शन नंबर बी मार्जिन जो छपाई करते समय सही मार्जिन जोड़ा जाता है ऑप्शन नंबर सी मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन या ऑप्शन नंबर डी मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाहर जोड़ा गया मार्जिन तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन जैसा कि दोस्तों आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं इसे गटर मार्जिन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्स बटन एक्स बटन का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए क्लोज बटन ऑप्शन नंबर बी ऑफिस बटन या ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमाइज बटन या डी मिनिमाइज बटन तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज बटन एक्स बटन को क्लोज बटन के नाम से जानते हैं जो कि टाइटल बार में किनारे पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज दर्पज ऑफ जूम ऑप्शन जूम ऑप्शन का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए इन लार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट ऑब्लिक टेस्ट साइज ऑप्शन नंबर बी मूव अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट ऑब्लिक पिक्चर ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट डॉक्यूमेंट ऑब्लिक पिक्चर यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ लाइट नहीं राइट रहेगा स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट डॉक्यूमेंट पिक्चर डी है आपका मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज डॉक्यूमेंट ऑब्लिक पिक्चर तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन लार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट ऑब्लिक टेक्स्ट साइज यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट की साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए जूम का प्रयोग किया जाता है जूम ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑप्शन इज यूज फॉर टैब सीटिंग टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल रूलर ऑप्शन नंबर बी स्टेटस बार ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल रूलर या ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल स्क्रॉल बार तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल रूलर यानी छतीस रूलर का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज दर्पज ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार वर्टिकल स्क्रॉल बार का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे ले जाना या ऑप्शन नंबर बी मूव द डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड या ऑप्शन नंबर सी मूव द डॉक्यूमेंट राइट साइड या ऑप्शन नंबर मूव द डॉक्यूमेंट ओनली अपवर्ड तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूव द डाक्यूमेंट अप एंड डाउन डाक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है यानी कि दोस्तों अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट या पेज को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए आप वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ अनडू एक्शन इन एम एस वर्ड एमएस वर्ड में अनडू एक्शन का क्या उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए रिस्टोर प्रीवियस एक्शन ऑप्शन नंबर बी गेट द करेंट एक्शन ऑप्शन नंबर सी गोज़ टू प्रीव्यू पेज या ऑप्शन नंबर डी गोज टू प्रीवियस पैराग्राफ तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिस्टोर प्रीवियस एक्शन यानी कि दोस्तों पिछली कार्यवाही को पुनर्स्थापित करने के लिए अंडू एक्शन का उपयोग किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होती है यानी कि दोस्तों अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिव एंड डीएक्टिव रूलर रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए ब्यू ग्रिड ऑप्शन नंबर बी ब्यू रूलर या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टूल बार या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट रूलर तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यू रूलर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज कवर पेज का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए शीर्षक लेखक दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है ऑप्शन नंबर बी मेल करने के इरादे से लोगों की सूची भरता है ऑप्शन नंबर सी मेल की गई सूची देखने के लिए या ऑप्शन नंबर डी दस्तावेजों के विवरण शामिल हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शीर्षक लेखक दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है पेज कवर के माध्यम से हम शीर्षक लेखक दिनांक और अन्य जानकारी को फिल करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउ टू फिल टाइटल ऑथर डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हुई मेनू कंटेन सिंबल ऑप्शन इन एम एस वर्ड एम वर्ड में कौन सा मेनू सिंबल विकल्प के लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए टूल ऑप्शन नंबर बी टेबल ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हुईच ऑपरेशन इज यूज टू बी परफॉर्म बिफोर पेस्ट पेस्ट करने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस भी ऑप्शन नंबर बी कट या कॉपी, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट ऑल ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट टेस्ट तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कट या कॉपी। यानी कि दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने से पहले उसे हम या तो कट करेंगे या तो कॉपी करेंगे उसके बाद ही हम उसे कहीं पे पेस्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कट या कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका व्हिच ऑपरेशन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक करेक्टर सिंबल और फॉर्मूला इन डॉक्यूमेंट यानी कि दोस्तों किसी विशिष्ट वर्ड प्रतीक या सूत्रों का पता लगाने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए फाइंड ऑप्शन नंबर बी सर्चिंग टेस्ट ऑप्शन नंबर सी रिप्लेस या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्टिंग टेस्ट तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई फीचर इज यूज टू क्रिएट ए न्यूज़ पेपर टाइप डॉक्यूमेंट ऑप्शन नंबर ए टेबल ऑप्शन नंबर बी टैब स्टॉप्स ऑप्शन नंबर सी कॉलम या ऑप्शन नंबर डी बुलेट एंड नंबरिंग तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलम न्यूज़पेपर टाइप के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कॉलम का उपयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हुईज सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट फॉर लिस्ट ऑफ डाटा डाटा की सूची के लिए बुलेट डालने के लिए किस अनुक्रम के संचालन की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए पैराग्राफ ग्रुप नंबरिंग बटन सेलेक्ट एनी नंबर टाइप ऑप्शन नंबर बी पैराग्राफ ग्रुप नंबर बटन सिलेक्ट नन या ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ ग्रुप बुलेट बटन टाइप ऑफ बुलेट या ऑप्शन नंबर डी पैराग्राफ ग्रुप बुलेट बटन सिलेक्ट नन तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ बुलेट बटन टाइप ऑफ बुलेट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डाटा डेटा की सूची से नंबरिंग हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए नंबर बटन सिलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप या ऑप्शन नंबर बी नंबर बटन सिलेक्ट नंबर फ्रॉम नंबर लिस्ट या ऑप्शन नंबर सी बुलेट बटन सिलेक्ट नन फ्रॉम बुलेट टाइप ऑप्शन नंबर डी बुलेट बटन सिलेक्ट बुलेट फॉर्म बुलेट लिस्ट तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर बटन सिलेक्ट नन नंबर टाइप नेक्स्ट है आपका हुई सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर रूलर से टैब स्टॉप मार्कर हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर ऑप्शन नंबर बी डबल क्लिक द टैब मार्कर एंड क्लियर ऑल ऑप्शन नंबर सी राइट क्लिक द टैब स्टॉप मार्कर एंड चूज रिमूव ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट क्लिक द टैब स्टॉप मार्कर एंड चूज रिमूव तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हुईच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द एमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड फॉर अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड एम एस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए स्पेसिंग ऑप्शन नंबर बी स्केलिंग ऑप्शन नंबर सी जस्टिफाइंग या ऑप्शन नंबर डी पोजीशनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिफाइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई शॉर्टकट की इज यूज टू इन वॉक थीसोरस डायलॉग बॉक्स इन एमएसवर्ड एमएसवर्ड में थीसोरस डायलॉग बॉक्स को इनवॉक करने की शॉर्टकट की क्या है ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एफ सेवन ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एफ सेवन ऑप्शन नंबर सी आल्ट प्लस एफ सेवन या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ सेवन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एफ सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ कैन बी रेक्टिफाई द एरर अक्रॉस वाइल टाइपिंग टाइपिंग करते समय होने वाली त्रुटियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑटो एंट्री ऑप्शन नंबर बी ऑटो ऐड, ऑप्शन नंबर सी ऑटो स्पेल या ऑप्शन नंबर डी ऑटो करेक्ट तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑटो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुई सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक के लिए किस अनुक्रम की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए बाई यूजिंग इंसर्ट ऑप्शन नंबर बी बाई पोजिशनिंग द करसर एट द अप्रोसिएट प्लेस एंड प्रेस इंटर ऑप्शन नंबर सी बाई पोजिशनिंग द करसर एट द अप्रोसिएट प्लेस एंड प्रेस एफन की ऑप्शन नंबर डी बाई पोजिशन द करसर एट द एप्रोसिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाई पोजिशन द करसर एट द एप्रोसिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज दर्पज ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट दस्तावेज में हेडर और फुटर इंसर्ट करने का उद्देश्य क्या है ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऑप्शन नंबर सी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी पेज पर हेडर और फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपियर ऑन द डॉक्यूमेंट पेज पर हेडर और फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज दर्पज ऑफ वर्ड रैप वर्ड रैप का क्या उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए अलाइन टेस्ट विद द राइट मार्जिन ऑप्शन नंबर बी इंसर्टिंग स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑप्शन नंबर सी इंसर्टिंग स्पेस ऑटोमेटिकली बिटवीन वर्ड ऑप्शन नंबर डी मूविंग टेस्ट ऑटोमैटिकली टू द नेक्स्ट लाइन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूविंग टेस्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज दर्पज ऑफ थिसारस टूल इन एमएस वर्ड एमएस वर्ड में थिसारस टूल का क्या उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए ग्रामर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग सजेशन या ऑप्शन नंबर सी सेनानियम्स एंड एंटानियम्स वर्ड या ऑप्शन नंबर डी ऑटो करेक्शन तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेनानियम्स एंड एंटानियम्स वर्ड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में